नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी रोमन साम्राज्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेश्चंस। आपको पता है इस चैप्टर से जो 3 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उनका आंसर मैक्सिमम 100 वर्ड्स में लिखना है, और जो 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका उत्तर 350 वर्ड्स में मैक्सिमम लिखना है। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे और तभी आपकी लर्निंग बढ़ेगी। दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं बच्चों कि आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 24 घंटे के अंदर लगभग 1000 के व्यूज हो जाते हैं, यानी कि बच्चों को इसका फायदा पहुंच रहा है, इसलिए लगभग 1000 बच्चे एक दिन में इस वीडियोस को देख रहे हैं। लेकिन उसी की तुलना में अगर आप लाइक्स को देखें तो लाइक्स मुश्किल से 100 या उससे कुछ अधिक या कम ही रहते हैं। तो यदि आपको लगता है कि इन वीडियोस का आपको फायदा हो रहा है, आप सीख रहे हैं, तो जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो एक लाइक बटन भी जरूर दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स और 8 मार्क्स से क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी सोर्सेस ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, अर्थात रोमन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। और ये देखिए, यहां मैंने आपको साइड में इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है। तो आप उसके ऊपर ज्यादा जोर देकर के पढ़ें, क्योंकि उनके आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होगी। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको पेज नंबर 58 के ऊपर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की सीमाओं की चर्चा कीजिए, यानी कि रोमन एम्पायर उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम दिशा में कहां तक फैला हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 59 पर मिल जाएगा, और वहीं पे एक मैप भी है। जब उस मैप को आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द रोमन आर्मी। रोमन साम्राज्य की जो आर्मी थी इसकी क्या विशेषताएं थी, ये 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 60 और 61 पर मिलेगा। इससे आपको नोट्स बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, Who were the 3 main players in the political history of the Roman Empire? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे, ये आपको इसका उत्तर पता है। सम्राट थे, अभिजात वर्ग थे और आर्मी थी। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जिसका उत्तर आपको पेज नंबर 61 पर मिल जाएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनालाइज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन रोमन सोसाइटी। रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण कीजिए, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार आपको मिलेगा, या तो ये फर्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है या फिर एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका उत्तर आपको
पेज नंबर 64 के ऊपर मिलेगा, यहां से आप इसका उत्तर तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ लिटरेसी इन रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में साक्षरता की क्या स्थिति है उसके बारे में आपको बताना है, और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 65 पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर वॉज रिफ्लेक्टेड इन मेनी वेज एंड एट मेनी लेवल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हीं को हॉट्स क्वेश्चन कहा जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। और चूंकि ये स्टेटमेंट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता कई तरीकों और कई स्तरों पर परिलक्षित होती थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर आपको पेज नंबर 65 और 66 पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन ए मच लेस एडवांस्ड स्टेट, गिव एग्जांपल्स। रोम क्षेत्र के बड़े बड़े हिस्से कम उन्नत अवस्था में थे, उदाहरण दीजिए। यानी कि रोमन एम्पायर के बारे में तो हम बात करते हैं कि ये बहुत ही फ्लोरिस्ट एम्पायर था, बहुत ही ये धनी और बहुत ही उन्नत और बहुत ही समृद्ध था, लेकिन इसके बावजूद इसके कई हिस्से ऐसे थे जो उतने उन्नत नहीं थे, उतने डेवलप्ड नहीं थे जितने कि दूसरे हिस्से। तो ये कौन से हिस्से थे, ये उदाहरण आपको देना है, और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 67 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर, क्लारिफाई दी स्टेटमेंट। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया, इस बात को स्पष्ट कीजिए। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो रोम के श्रम प्रबंधन की ओर हमारा ध्यान ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना कैसी थी, इसके बारे में आपको बताना है, और इसका उत्तर पेज नंबर 70 और 71 पर दिया हुआ है, जहां पर सामाजिक श्रेणियों की चर्चा की गई है। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेट एंटीक्विटी, यानी कि परवर्ती पुराकाल से आपका क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर आपको पेज नंबर 71 पर मिलेगा, जहां पर परवर्ती पुराकाल के नाम से ही एक सब टॉपिक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन्स चीफ इनोवेशंस वर इन दी मोनेटरी स्फेयर, डिस्कस। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के प्रमुख नवाचार मौद्रिक क्षेत्र में थे, इस बात की चर्चा कीजिए। और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 72 पर मिलेगा, जहां पर सॉलिडस के बारे में चर्चा की गई है। और 3 नंबर का यह अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड बीन पॉलीथेइस्ट, असेस द स्टेटमेंट। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी, इस कथन का आकलन कीजिए। और इसका उत्तर पेज नंबर 73 और 74 पर मिलता है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर के प्रश्नों के, जिनका जवाब 350 वर्ड्स में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्रेट अर्बन सेंटर्स दैट लाइंड द सोर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन वर द ट्रू बेडरॉक ऑफ द इंपीरियल सिस्टम। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र रोमन साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। और ये जो प्रश्न है,
ये भी हॉट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर टू, एग्जामिन द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के संकट का परीक्षण कीजिए। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार तो 3 नंबर के लिए पूछ लेते हैं, कई बार 8 नंबर के लिए पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार का वर्णन कीजिए। और आर्थिक विस्तार के नाम से एक सब टॉपिक है पेज नंबर 66-67 पर, तो वहां से आप इसका उत्तर तैयार कर लें। और 8 नंबर का जो अंतिम सवाल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है, स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एंशियंट वर्ल्ड बोथ इन द मेडिटेरेनियन एंड इन द नियर ईस्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थीं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी हिसाब से इसको तैयार कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग्स, थैंक यू।